मोरालिटी इज डिफाइंड एज, दिस इज मोरालिटी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट, वन के जी ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मोलारिटी डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एम एंड मोलारिटी इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एम। मोलारिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोलालिटी एंड इट विल बी मोर क्लियर टू यू इफ आई विल गिव सम एग्जाम्पल्स व्हिच विल बी बेटर, व्हिच विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल वन, दिस इज द क्वेश्चन। 3.92 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यू नो मोलारिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन के जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाउ विल यू डिराइव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर एनी पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ दैट पार्टिकल बाय मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हियर वी आर स्टडिंग, हियर वी आर स्टडिंग अबाउट H2SO4, सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मे बी डिनोटेड इट एज एन, मास ऑफ द सॉल्यूट 3.92 ग्राम दिया गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98, दिस इज द वैल्यू। सो मोलालिटी एम विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन मास ऑफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन के जी। दिस इज द रियल एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स इज 3.92 अपॉन 98, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन के जी 200 ग्राम इज सॉल्वेंट, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट इन के जी डिवाइड बाय 1000, दिस विल बी 3.92 98 इंटू 1000 अपॉन 200, कैंसल आउट 5, इट विल बी 19.6 अपॉन 98 इज इक्वल टू 0.m, दिस इज द आंसर। बेटर अंडरस्टूड, नेक्स्ट इट विल बी और मोर क्लियर फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी एंड ऑल्सो दैर इज द प्रेजेंस ऑफ अ डेंसिटी, डेंसिटी रिलेटेड। सो फर्स्ट वी हैव टू डिराइव द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट कीप योर टारगेट इन फ्रंट, दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी इज, दिस इज द डिजायर्ड व्हाट आई वांट। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, दिस इज आवर टारगेट। हाउ विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड हाउ विल गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट यूजिंग दिस टू क्लूज, यही तो सवाल है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट हियर इज नॉट गिविंग टू यू एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज नोन, दैट इज NaCl इज प्रेजेंट, Na इज इक्वल टू 23, दिस इज 35.85, 58.5 मॉलिक्यूलर मास इज गिविंग।
बट हाउ विल यू डिराइव, दिस इज द रियल टास्क फॉर यू। ये जो दिया है डेंसिटी दिया है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में कितना मास है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है भाई। 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितनी मैंने कितना मास है, यही तो दिखाता है ना, दर्शाता है। इन दैट इम्प्लाइज इन 1 मिलीलीटर, इफ यू टेक 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द वेट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 1.25 ग्राम। दिस इज द रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेंसिटी। लेट द वॉल्यूम टेकन, लेट द वॉल्यूम टेकन बी 1000 ml, ओके। इन 1 ml द मास ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.25, इन 1000 ml, दस इन 1000 ml सॉल्यूशन द मास ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट, मास ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इज 1250, ओके। ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन, हम लोग को मिल गया मास ऑफ द सॉल्वेंट। मिलने के लिए मास ऑफ द सॉल्यूशन से मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल देने से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। फिर हम लोग को मास ऑफ द सॉल्यूट कैसे मिलेगा, ये तो बात है ना, मास ऑफ द सॉल्यूट हम लोग को कैसे मिलेगा, ये इसी को हम लोग लेंगे क्लू। ये लिखा है 3 m, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लेटर, मीन्स ये दिस इज मोलारिटी। 3 m बा 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो एक्सप्रेशन है ना किसका, मोलारिटी का, कैपिटल एम का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी डोंट नो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी डोंट नो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वी हैव टेकन 1000 ml व्हिच इज इक्वल टू, इफ यू एक्सप्रेस इन लीटर इट इज इक्वल टू 1, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी 1 × 3 mole इज इक्वल टू 3, एंड द सॉल्यूट इज NaCl। वी नो दैट 1 mole ऑफ NaCl वेज वेज हाउ मच, 58.5 ग्राम। यू ऑलरेडी नो इट इज द रियल ट्रूथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, 3 moles ऑफ NaCl वेज 58.5 × 3, 175.5 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मास ऑफ द सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ द सॉल्यूशन है 1250, मास ऑफ द सॉल्वेंट विल बी, मास ऑफ द सॉल्वेंट विल बी 1 mole of solution - 1 mole of solute. Next, this is equal to mass of the solution 1250, mass of the solution solute is 175.5 deduct, it will be how much it will come, 1074.5, this will come, okay. Next, come to our target. M is equal to number of moles of solute, number of moles solute we have already derived, 3 moles of solute is present, 3, and one thing, here one thing, this is gram, convert it into kg, it will be
0.1.0745 kg. Come to our target, molarity is equal to number of moles of solute upon mass of the solvent in kg. Mass of the solvent is this much, 1.0745, and number of moles of the solute we have derived is equal to 3 divided by this is equal to 2.79 m. This is the answer. Okay, thank you.